स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। आइए जानते हैं रेलवे के इस हफ्ते के हाइलाइट्स। रेलवे द्वारा अब उन कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी जो रेलवे कर्मचारी वर्दी का भत्ता तो लेते हैं लेकिन ड्यूटी पर वर्दी पहनकर नहीं आते हैं। मिली शिकायतों के अनुसार बोर्ड ने अब उन कर्मचारियों के लिए सख्ती बरती है जो रेलवे ड्यूटी पर वर्दी पहनकर नहीं आते हैं। रेलवे की ओर से ट्रेनों के आवागमन के समय में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है जो 10 सितंबर से लागू होगा। तो जो भी यात्री 10 सितंबर से ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं अपनी ट्रेन का नया समय जरूर चेक कर लेंगे। कोरोना की वजह से रेलवे का संचालन पूरी तरह से बंद हो चुका था जो अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। कोरोना के कम होते केस की वजह से रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा था और मासिक पास की सेवा बंद किए हुए था लेकिन अब मासिक पास की सेवा रेलवे पुनः शुरू करने वाला है जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। त्योहारों का समय आने वाला है। रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए त्योहारों में दशहरा, दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है जिसकी जानकारी रेलवे जल्द ही दे देगा। अगर आप मुंबई दिल्ली महानगरों से रायपुर रेलवे स्टेशन जाते हैं और उसके बाद आपको लग्जरी कार या बस की आवश्यकता होती है तो आप स्टेशन पर ही लग्जरी कार या बस बुक कर सकते हैं। रेलवे ने तय कर दिया है 3 AC क्लास का सफर। अब सितंबर माह में AC का सफर हो जाएगा सस्ता। अभी तक यदि रेलवे में सफर करने पर किसी आदमी के नाम पर टिकट हो और कोई दूसरा सफर कर रहा हो तो वह दंडनीय अपराध माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है। यदि आपकी रेलवे का टिकट है और आपको कहीं आवश्यक रूप से उस ट्रेन पर सफर नहीं करना है तो आप अपनी टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी सफर करा सकते हैं जिसके लिए आपको उस स्टेशन से KTTE से मिलकर बात करनी होगी। इन सभी खबरों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। रेलवे की और भी जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। धन्यवाद।